हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में जो भी किया है वो प्लांटी किया है, आपके प्लांटिया प्लांटिया के हमने क्या क्या पढ़े थे, उसके पार्ट्स पढ़े थे, उसके डिफरेंसेस पढ़े थे, कौन से पार्ट में क्या होता है उसके बारे में जाना था। तो इस वीडियो में हम जो आगे पढ़ेंगे वो आपके एनिमलिया के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमलिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसके कुछ पार्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है एक तरह का, तो इसको मैं आपके दो वीडियो में समझाऊंगा अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, और ये वीडियो लंबी ना बने, अगर वीडियो लंबी बनेगी तो आप क्या करोगे, बोर हो जाओगे, ठीक है। तो आपने आधी वीडियो में, मतलब कुछ देर की वीडियो में इसको कुछ कुछ पार्ट को समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनिमिलिया। तो प्लांट के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था, और अब एनिमल के बारे में जानेंगे क्या क्या है। दीज आर ऑर्गेनिज्म विच आर यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर एंड हेटरोट्रॉपिक। ये क्या है, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, और ये हेटरोट्रॉपिक है। हेटरो का मतलब जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, दूसरों के डिपेंड ऑन अदर, ठीक है, डिपेंड अपॉन अदर्स, जो दूसरों पर क्या हो, डिपेंड हो, जो अपना खाना खुद नहीं बनाता हो, किससे बनवाता हो, दूसरों से बनाता हो, ठीक है। देयर सेल डो नॉट हैव सेल वेल्स, इसमें कोई सेल वेल्स नहीं होती। मोस्ट एनिमल आर मोबाइल्स, मोबाइल्स क्या होते हैं, मोबाइल से ये कोई चीज नहीं होती कि आप फोन यूज कर रहे हो तो ये मोबाइल नहीं होता, ये वो मोबाइल, ये अलग वो मोबाइल है, ठीक है। जिसका मतलब यहाँ पर होगा कि ज्यादातर एनिमल क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। इस इधर इस मोबाइल का मतलब क्या, मूविंग करना, ठीक है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिजाइन डिफरेंसेस फाउंड। तो इसी आधार पर कुछ क्लासिफाइड, मतलब कुछ डिजाइन को देखा गया है कि ये जो एनिमल है ये किस किस तरह के हैं, इसके बारे में ये कैसे क्या खाते हैं, क्या कैसे रहते हैं, तो इन चीजों के बारे में नहीं, अब जो आगे पार्ट आएंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कुछ क्लासिफिकेशन दे रखे हैं इनकी। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दे रखी पोरिफेरा। पोरिफेरा क्या कहता है कि वर्ड पोरिफेरा जिसका मतलब ऑर्गेनिज्म विद होल्स, ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर होल्स हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस जैसे उस जीव को हम क्या कहते हैं, पोरिफेरा कहते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल एनिमल अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट। ये एक ऐसे एनिमल होते हैं जो कि कुछ सॉलिड चीजों के साथ अटैच रहते हैं। सम आर होल्स और पोर्स, होल्स भी क्या है और पोर्स क्या है, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी। तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ पोर्स बाहर निकली हुई पंखड़ी होती है, जैसे किसी स्किन में होल्स होते हैं ना, तो इतने मतलब इतना ही वो हाइट में क्या जाएगा, पोर्स हो जाएगा, ठीक है। होल्स आपका डीप में हो जाता है, पोर्स आपका हाइट में चले जाता है। दिस लीड टू ए कैनाल सिस्टम दैट हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड फूड एंड ऑक्सीजन। तो ये कनाल क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किसको, वाटर को सर्कुलेट होने में, जो कि हमारी बॉडी है, किसके थ्रू, फूड और ऑक्सीजन के थ्रू, ठीक है। जो भी वाटर हमारे ब्लड में आता है, तो आप याद रहना कि जो हम हमारा ब्लड है उसके अंदर वाटर कितना है, 90% वाटर है, ठीक है। उस वाटर को सर्कुलेट करने के लिए जो उसमें फूड होता है और ऑक्सीजन होती है, उसको हम सर्कुलेट करते हैं इनकी मदद से। दीज एनिमल आर कवर्ड विद हार्ड आउटर आउटसाइड लेयर और स्केलेटन। ऐसे एनिमल को बाहर से कैसे कवर होते हैं कि हार्ड होती है इनके लिए और स्केलेटन होते हैं, ठीक है। द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व वेरी मिनिमल डिफ्रेंशिएशन एंड डिविजन इन टू टिश्यूज। इनकी बॉडी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस के होते हैं, अलग होते हैं, तो बहुत कम अलग अलग दिखाई देती है, और ये क्या होते हैं, टिश्यू में डिवीजन करते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जी, इसे हम क्या बोलते हैं, जैसे कि स्पॉन्जी होता है। आर मेनली फाउंड इन मराइन हैबिटेट, जैसे कि बहुत ज्यादा समुद्री जीव होते हैं,
सम एग्जाम्पल जो कि आपको क्या दिया गया, फिगर में बताया गया कि कुछ एग्जाम्पल है। देखो यह आपका स्पोंजिला है, इसके अंदर क्या है, कहीं कहीं जगह आपको छेद देखने को मिलेगा ऐसे, और कहीं कहीं अंदर क्या है आपको ये पोर्स जो ये डॉट 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 दिखाई दे रहा है। देखो ये छोटा छोटा सर्कल है, ये तो आपके क्या है पोर्स, सॉरी होल्स, ठीक। और जो ये डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं आपके पोर्स होते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पोरी फिरा बोलते हैं। साइकोन एग्जाम्पल के तौर रूप में लेना तो यूब्लेकेटला आपका भी क्या हो गया, पोरी फिरा का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे अलग नेक्स्ट पार्ट आया है कौन सा, कोलेंटरेटा। कोलेंटरेटा मतलब कैनिडेरिया, ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे, तो क्या जानेंगे इसके बारे में, देयर दीज आर एनिमल लिविंग इन वाटर। तो सबसे पहली चीज ये कैनिडेरिया या फिर कोलेंटरेटा किस कहां पर रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठीक है। दे शो मोर बॉडी डिजाइन डिफरेंसेस, इनकी बॉडी में अलग अलग डिफरेंसिएशन होते रहते हैं। देयर इज जस्ट कैविटी इन बॉडी, इनकी बॉडी में क्या होती है, कैविटी होती है। द बॉडी इज मेड ऑफ टू, इनकी बॉडी किसी भी दो मटेरियल से बने होते हैं, वो दो मटेरियल कौन कौन से वो चेक करते हैं, सॉरी लेयर से, जिसकी लेयर ऑफ से वन मेक्स अप सेल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक सेल जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, एंड अदर मेक्स द इनर लिनिंग ऑफ द बॉडी, और जो दूसरा बनाता है वो क्या करता है, अंदर की स्ट्रक्चर को बनाता है, लाइनिंग को बनाता है, ठीक है। सम ऑफ दिस स्पाइसिस लिव इन कॉलोनीज, कुछ जीव कॉलोनी में रहते हैं मतलब मिक्स होकर रहते हैं, जो कि कोरल होते हैं। वाइल अदर हैव ए सोलिटरी लाइक स्पैन, कुछ अकेला रहना पसंद करते हैं, जैसे कि स्पैन हो गया, हाइड्रा भी हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ जेलीफिश और सी एनिमोनस एग्जाम्पल हैं इनके, ठीक है, किसके, कैलिडोरेटा, ठीक है, कोलेंटरेटा के एग्जाम्पल हैं। तो यह कुछ एग्जाम्पल डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है आपको। तो यह तो आपका हाइड्रा हो गया, जो प्लांट वगैरह होते हैं ना समुद्र में, वो आपको इस तरह का दिखाई देता है, यहाँ पर सी एनेमोना इस तरह का जीव दिखाई देता है। तो ये आपके एग्जाम्पल है, मतलब इसका अगर आप नाम याद रख सकते हो कौन सा पार्ट कहाँ है इसमें, तो आप कर सकते हो वरना छोड़ सकते हो, बस आपको नाम याद रखना, हाइड्रिया और सी एनेमोना किसके एग्जाम्पल है, कोलेंटरेटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका आया प्लांटी हेलिमिनथ एलिमिंथस, प्लांटी हेलिमिंथस, ठीक है। द बॉडी ऑफ एनिमल इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिजाइन देन इन टू टू अदर ग्रुप वी हैव कंसिडर सो फार। तो ये इनका ये बॉडी, ये जो एनिमल है इनकी बॉडी क्या करती है, बहुत हार्ड डिजाइन लेती है किसी भी दो ग्रुप से, ठीक है, कि कोई भी दो ग्रुप से बहुत हार्ड डिजाइन लेते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से इनका डिजाइन बनता है, जो कि हमारी सोच से क्या है, दूर है। द बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकली, मीनिंग दैट लेफ्ट एंड द राइट हाफ ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिजाइन, मतलब इनकी जो बॉडी आपको दिखाई देगी वो सिमेट्रिकल दिखाई देगी। सिमेट्रिकल आपको मैथ का वर्ड भी है, तो मैथ में अगर कहते हैं कि सिमेट्री कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, इधर का और इधर का दोनों का क्या हो, सेम दिखाना हो, ठीक है, वो सिमेट्री होता। तो यही बात आपको ये बताई गई है कि लेफ्ट और राइट हाफ, जो लेफ्ट आधा है और राइट का आधा, वो दोनों क्या दिखाई देंगे, सेम डिजाइन दिखाई देंगे, ओके। दीज आर थ्री लेयर ऑफ सेल, इसमें तीन लेयर होती है सेल की, जो कि विच डिफरेंशिएट टिश्यू कैन बी मेड, विच इज वाई सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्राई प्लोबलास्टिक। इस तरह के एनिमल को, जैसे कि तीन लेयर होते हैं, तो इस तरह के एनिमल को हम क्या बोलते हैं, ट्राई प्लोबलास्टिक बोलते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। दीज अलो आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज सम ऑर्गन्स टू बी मेड। ये क्या करता है, आउटसाइड और इनसाइड की बॉडी लाइनिंग को ऑर्गन्स में, मतलब ऑर्गन्स की लाइनिंग करता है, ठीक है। There is the some degree of tissue formation. ये कुछ formation के tissue formation के degree आप ये कह सकते हो पहचान होती है, ठीक है। However, there is no true internal body cavity or
तो ये बॉडी कैविटी इंटरलिप, इसमें इंटरनल बॉडी कैविटी नहीं होती, ना ही क्योलम होती, ठीक है। इन विच वेल डेवलप ऑर्गन्स कैन बी एकोमोडेशन, तो ये क्या करते हैं कि अपने ऑर्गन्स को डेवलप खुद ही करते हैं, ठीक है। द बॉडी इज फ्लैटेंड एंड डोर्सोमेंट्रली, तो जो जो इनकी बॉडी वो फ्लैट होती है, डोर्सोमेंट्रली मतलब ये आपको दे रखा टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे तक ये बिल्कुल फ्लैट दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वर्ड हैं, इनके मीनिंग आते हैं, तो इनको एक बार याद कर लिया। डोर्सोमेंट्रली जिसका मतलब है टॉप टू बॉटम, विच इज व्हाई दीज एनिमल आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, इसलिए इस इन एनिमल को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। जो कीड़ा आपको दिखाई देता है ना बारिश के टाइम पे, वो आपके फ्लैट वर्म्स होते हैं। देर आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये फ्री लिविंग मतलब आराम से घूमना पसंद करते हैं और मौज में रहते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल आर फ्री लिविंग एनिमल लाइक प्लानेरियंस, पैरासाइट एनिमल्स लाइक लीवर फ्लक्स, जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल जाएगा 7.14 के अंदर, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ये क्या रहते हैं कि ऊपर से नीचे तक बिल्कुल प्लेन रहते हैं, ये आपको साइड से डिजाइन दिख रहा है ना, कि नहीं तो ऊपर से नीचे तक आपको क्या दिखाई देगा, बिल्कुल प्लेन दिखाई देगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा, तीन पॉइंट, इसके तीन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेमाटोडा, ठीक है। तो नेमाटोडा किस तरह के दिखाई देंगे आपको, तो ये आपको दिखाई देंगे, नेमाटोडा बॉडी इज आल्सो बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड ट्राइप्लोब्लास्टिक, ये जो होते हैं ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं, जैसे कि प्लांट हेमलिंथस जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या दिखाई देंगे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल भी दिखाई देंगे आपको। हाउएवर द बॉडी इज सिलेंडर, देखो उसमें हमने प्लांटी हेलमिनेथस में क्या पढ़ा था कि उनकी बॉडी जो होती है फ्लैट होती है ऊपर से नीचे तक, और इनकी बॉडी जो होगी वो सिलेंड्रिकल, जब रादर देन फ्लैट एंड, सिलेंड्रिकल ज्यादा होगी जबकि कुछ फ्लैट भी आपको दिखाई दे सकती है। देर आर टिश्यू बट नो रियल ऑर्गन्स, आर दो ए सॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और ए स्यूडो कैलियम इज प्रेजेंट, ये ऐसा टिश्यू है जिसमें ना कोई रियल ऑर्गन्स दिखाई देता, जबकि इसके बजाय बॉडी कैविटी की कमी रहती है और साथ साथ स्यूडो कैलियम की भी मिलते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। दीज आर वेरी फैमिलियर एज पैरासाइट वर्म, ये पैरासाइट वर्म के बहुत नजदीक है, कॉजेज डिजीज, ये डिजीज फैलाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, सच एज वर्म कॉजिंग एलिफेंटाइसिस, एलिफेंटाइसिस फिलियल वर्म्स, इस टाइप के क्या होते हैं कि कीड़े एलिफेंटाइसिस कहलाते हैं, जिसे हम फिलियल वर्म्स भी बोल सकते हैं। द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, राउंड वर्म एंड पिन वर्म, इस तरह के वर्म इंटेस्टाइन में मिलते हैं, जो कि हम गोल कीड़े और जो हमारी आंत के अंदर चले जाते हैं ना, जो कीड़े हमें मिलते हैं, ठीक है, उसको हम राउंड वर्म बोलते हैं या फिर पिन वर्म बोलते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जितना भी आपको फ्लैट दिखाई देगा, इसके बाद सभी क्या होगा, सिलेंड्रिकल टाइप हो जाएगी, ठीक है, सेम ही तरह है। तो ये कुछ दो कीड़े का नाम दे रहा है, एसेसरीज और वंचेरिया, तो ये दो एग्जाम्पल दिए गए नेमाटोडा के, जिसे हम एस्केलमिंथस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, बहुत मुश्किल वर्ड है, तो बच्चों ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। एनेलिडा, एनेलिडा क्या होता है, एनेलिड एनिमल आर आल्सो बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्राइप प्लोब्लास्टिक, तो ये भी क्या होते हैं आपके, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, उसके साथ साथ ट्राइप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, बट इन एडिशन दे हैव ट्रू बॉडी कैविटी। देखो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि कोलियम कैविटी पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या था, ट्रू बॉडी, मतलब इसका मतलब कोलियम, मैं आपको वर्ड बताना भूल गया, तो यहाँ से पूछ देख लो, कोलियम क्या होता है, फॉल्स मतलब इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो इसकी बॉडी इसमें जो होती है इमेजिनरी नहीं होती, वो सही में होती है। दिस आल्सो ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैक इन बॉडी स्ट्रक्चर,
इसलिए इसको अलो किया गया है कि ऑर्गन्स के अंदर बॉडी स्ट्रक्चर में पैक हो सकता है, ठीक है। देर इज दस एक्सटेंसिव ऑर्गन्स डिफरेंशिएशन, दिस डिफरेंशिएशन ऑर्कर्स अकर इन ए सेगमेंटल फैशन, जो जिसके कारण क्या होते हैं ऑर्गन्स डिफरेंशिएशन करते हैं, और इस डिफरेंशिएशन का कारण जो सेगमेंट फैशन होता है उसमें क्या होता है, विद द सेगमेंट लाइन अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल। तो इसमें क्या होते हैं, सिर से लेकर पूंछ तक क्या करते हैं, अपने अपने एक दूसरे के साथ लाइनिंग करते रहते हैं, ठीक है। दिस एनिमल्स आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट, ये क्या होते हैं पानी के, वो पानी के कीड़े होते हैं, जैसे कि हैबिटेट मतलब आपका जहाँ पर आप रह रहे हो उसे हम हैबिटेट कहते हैं, जिसे हम हैबिटेट भी बोल सकते हैबिट भी बोल सकते हैं, हैबिट से क्या हुआ हैबिटेट बना है। फ्रेश वाटर मरीन वाटर एज वेल एज लैंड, ऐसे मतलब ऐसे जानवर क्या रहते हैं जो कि फ्रेश वाटर में और साथ साथ समुद्र के पानी में और इसके साथ साथ पानी में सॉरी धरती पर भी रहता है। अर्थवर्म एंड लीचीज आर फैमिलियर एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल है अर्थवर्म और लीचीज, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इनको याद रखना, ये आपके एग्जाम्पल हैं। नीरिस इस तरह का दिखाई देगा आपको, ठीक है। अर्थवर्म इस तरह का दिखाई देगा, देखो इनके ऊपर इनमें क्या लाइनिंग तो ही है, ये सारी लाइनिंग तो है, और इधर देखो ये लाइनिंग तो दे रखी है, और लीच आपको इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अर्थ्रोपोडा क्या होता है, ये पढ़ते हैं हम। दीज आर प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल, तो ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल होते हैं। दीज एनिमल आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड सिगमेंटेड, तो इस ये एनिमल भी आपको सिमेट्रिकल और सिगमेंटेड भी होंगे। दीज आर एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करते हैं। सो द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल, इसलिए इसके अंदर क्या होता है अच्छे से ब्लड वेसल नहीं हो पाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो चीज़ होती है जैसे कि हमारे अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इस अपने अंदर क्या है कि वेंस दी गई है, ठीक है। लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर कोई वेंस नहीं होती, ब्लड कहीं वो मतलब एक लाइन में नहीं बैठता, वो ऐसे पिघल जाता है, ठीक है। द क्यूलोमिक कैविटी इज ब्लड फील्ड, तो इसलिए क्यूलोमिक कैविटी क्या होती है ब्लड को फील कर देती है। दे हैव जॉइंट लेग, इसके जॉइंट लेग होते हैं। द वर्ड आर्थ्रोपोड, जो आर्थ्रोपोड का मीनिंग क्या क्या बोला गया, जॉइंट लेग बोला है। सम फैमिली में एग्जाम्पल आर प्रॉन्स बटरफ्लाइज हाउस फ्लाइज स्पाइडर्स स्कॉर्पियन एंड क्रब्स, जो आपके कीड़े कॉकरोच होते हैं ना उसको हमें क्या बोलते हैं आर्थ्रोपोडिया बोलते हैं, जो कि आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं तो पोड़ा के। तो ये आपका पेलेमोन है प्राउंस है, इस तरह का कीड़ा आपको दिखाई देगा। पेलामेनियस स्कॉर्पियन आपको इस जैसा दिखाई देगा। एरेनिया स्पाइडर इस तरह का दिखाई देगा। बटरफ्लाई इस तरह की दिखाई देगी। मस्का हाउस फ्लाई इस तरह दिखाई देगी। और पेरी प्लांटिया आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। कॉकरोच सकोलपेंडरडा सेंटीपेडा इस तरह का आपको दिखाई देगा। ये क्या होते हैं जमीन पर रेंगने वाले कीड़े होते हैं, ठीक है। तो इनके जॉइंटे टांग क्या होती है, इनकी जॉइंट होती है यहाँ से, अगर आप मक्खी की देखोगे तो यहाँ से जॉइंट होगी उसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं तो मोलस्का क्या है, मोलस्का के बारे में पढ़ते हैं। तो इन दिस एनिमल ऑफ दिस ग्रुप देयर इज बाइलेटरल सिमेट्री, तो इसके अंदर भी क्या होती है बाइलेटरल सिमेट्री होती है। द कोलोमिक कैविटी इज रिड्यूस, कोलोमिक कैविटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। देयर इज लिटल सिगमेंटेशन, इसके अंदर थोड़ा सा सिगमेंटेशन होता है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी क्या है एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। किडनी लाइक होते हैं, ठीक है, जो कि बाहर निकालते हैं। देर इज अ फुट दैट इज यूज टू मूविंग अराउंड,
ये अपने पाँव से इधर उधर घूम सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर स्नेल्स हो गया मसल्स, तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये आपके मोलस्का के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका चीटोन, ऑक्टोपस हो गया, योनी हो गया, पीला हो गया, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। ओके, अगला पढ़ते हैं। तो अगले के बारे में क्या बोला है, अगला जो नाम है एकन डरमेटा, इकेनो डरमेटा। इकेनो डरमेटा क्या होता है, इन ग्रीक इकेनोस मीन हेड हेड के हो, जिसका मतलब है स्पाइनी मेमल्स, ठीक है, एक मेमल्स का काम करती है। डर्मा जिसका मतलब है स्किन, तो यहाँ आपको डर्मा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, स्किन हो गया, ठीक है। और इसका मतलब बाकी बचा, इसका मतलब हेड गेव हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनी मेमल्स बोलते हैं, ठीक है, स्पाइनी मेमल्स बोलते हैं। तो इतना आपको समझ आया। दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही मतलब अपने आप घूमने वाले जीव हैं समुद्री। दे आर ट्राई प्लास्टिक एंड हैव ए कोलोमिक कैविटी, ये क्या होते हैं, एक ट्राइप्लो प्लास्टिक होते हैं और एक कोलोमिक कैविटी होती है। दे आल्सो हैव ए पेकुलियर वाटर ड्राइविंग ट्यूब सिस्टम दैट दे यूज फॉर मूविंग अराउंड। तो ये क्या करते हैं कि वाटर को मतलब वाटर में इस तरह से पाँव मारते हैं जिससे कि वो चारों तरफ तैर सके, घूम सके, ठीक है। दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर दैट दे यूज एज ए स्केलेटन, इनकी हार्ड कैल्शियम, ये जो स्केलेटन का यूज जहाँ करना मतलब ये जो बना है, ये कैल्शियम हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर सी स्टार हो गया और सी यूरकेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल दे रखा है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जो आपका एनेटम है जिसे हम फीडर स्टार बोलते हैं, होलोथरिया सीज ककम्बर बोलते हैं, इकिनिस सी अर्किन बोलते हैं, एस्टेरियस जिसको हम सी स्टार बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे इसके। तो अब हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट, प्रोटोकोडाटा। प्रोटोकोडाटा क्या होता है ये पढ़ेंगे। ये आपका बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्राइप्लोब्लास्टिक होते हैं जो कि क्यूलम होते हैं। इन एडिशन दे शो ए नियर न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिजाइन नेमली ए नोटोकोड, एक नया फीचर इसमें ऐड होता है जिसका नाम है नोटोकोड, ठीक है। एट लास्ट एट सम स्टेज ड्यूरिंग देयर लाइफ, इनकी कुछ स्टेज पर, जिंदगी की कुछ स्टेज पर क्या करता है, द नोटोपेड इज लॉन्ग रोड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर। तो नोटोकोड क्या होता है, एक रोड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कोड का ही मतलब क्या गया, स्ट्रिंग, ठीक है, दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ एनिमल्स सेपरेटिंग द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द गट। तो ये गट से क्या करते हैं, कुछ टिश्यू बाहर निकालते हैं, ठीक है, और इट प्रोवाइड ए प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूवमेंट। तो ये प्रोवाइड करते हैं मसल की प्लेस को यानी कि मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। ये मसल्स को प्रोवाइड कराते हैं किससे, आसानी से, ताकि ये मूवमेंट कर सकें। प्रोटोकॉर्डेटा मे नॉट हैव ए प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेज इन देयर लाइफ। देखो यहाँ पहले ही ऑलरेडी बोल चुका है कि किसी स्टेज पर इनकी लाइफ में नोटोकॉर्ड होते हैं, तो वह बात इसने दोबारा बोलती है कि प्रोटोकॉर्डेटा शायद पूरी जिंदगी नोटोकॉर्ड उसकी सभी स्टेज पर आपको नहीं मिलेगी। एंटायर लेंथ ऑफ एनिमल्स या फिर दूसरे एनिमल्स के लेंथ है। प्रोटोकॉर्डेटा आर मरीन एनिमल, ये भी आपको मरीन एनिमल होते हैं। बलानकोलोसस, हार्डोमेनिया, हार्डमेनिया एंड एम्फी एक्सिस, तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। बाकी इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। तो ये आपका प्रोटोकॉन्ड्रिया डाटा का एग्जाम्पल हो गया, जिसे हम क्या बोल देंगे, बारा अनगोलोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया और ये आपका एक मरीन एनिमल हो गया, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट जो है ये आपका वर्टेटा, सॉरी वर्टिब्रेटा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका वर्टिब्रेटा है इसके भी कम से कम 10 टाइप हैं, ठीक है, कुछ सॉरी 6 टाइप हैं, इसकी 6 टाइप हैं, तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये भी बहुत, अगर इसको हम अभी पढ़ने लग गए तो 6 टाइप आपको ईजी लगेंगे, अगर आपको समझ आ गया तो शायद समझाना ही पड़ सकता है। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं अलग से लूँगा, अलग वीडियो बनाऊँगा इस पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी ये समझ आ सके वीडियो। तो आज की वीडियो हम बस इतना ही रखते हैं। तो ये मतलब जो हमें क्या पढ़ रहे हैं, एनिमिलिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, एनिमिलिया, इसके आपको 10 टाइप देखने को मिले हैं, तो ये 10वां टाइप है। अब इस 10वें टाइप की भी 6 टाइप हैं, तो इस वजह से मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर सकता था अगर ये आपका एंड हो जाता था। तो उसके मतलब जो इसके साथ साथ जो इस वर्टिब्रेटा के पढ़ेंगे और इसके 6 टाइप पढ़ेंगे, साथ साथ इसके जो आपके ये जो लास्ट में चैप्टर के लास्ट में मेन मेन पॉइंट रहते हैं उसको फिर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो उसकी भी वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।